दोस्तों, अगर आप भी अपना SBI का नेट बैंकिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बिना किसी बैंक में विजिट किए ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से अपने SBI का नेट बैंकिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। यह SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में आ जाने के बाद में सबसे पहले तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हैं, फिर से एक नया पेज आपको देखने को मिल जाता है। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना होगा। इसके बाद में CIF नंबर आप इंटर करेंगे, ब्रांच कोड आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद में आपको कंट्री का नेम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। फैसिलिटी रिक्वेस्ट में आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको सिंपली एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे आप कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं, आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, जिसे आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी कार्ड की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। आपको सिंपली अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद में आपको आपके कार्ड की डिटेल यहाँ पे इंटर कर लेनी है। जैसे कार्ड होल्डर नेम आप इंटर करेंगे। इसके बाद में कार्ड की एक्सपायरी मंथ और ईयर इंटर कर लेना है। नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद में कुछ इस तरीके से एक नया पेज आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको सिंपली अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। आप जो भी यूजर नेम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में चेक वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाता है। टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगेन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली आपने जो भी यूजर नेम क्रिएट किया है यहाँ पे इंटर कर लेना है। पासवर्ड आपको इंटर कर लेना होगा। इसके बाद में आपको फिर से कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अगेन आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी, जिसे आपको फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल को सेट कर लेना है। इसमें सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर लेना है। एक बार पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसी क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर इंटर करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस आंसर के थ्रू में अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। बर्थ प्लेस आपको इंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुके हैं। अगर आप अपने अकाउंट के साथ में अपने ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लीज अपडेट का। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपने जो भी प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट किया था उसे यहाँ पे इंटर कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे कौन सी ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इसके बाद में अगेन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, जिसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड की जाएगी, जिसे आप फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट कर दी जाएगी। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको आपके एक्सेस लेवल को अपग्रेड करना होता है, जिसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी। आप इस पर क्लिक करेंगे। मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे अपग्रेड एक्सेस लेवल पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आप यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट एक्सेस लेवल व्यू ओनली का देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपग्रेड एक्सेस लेवल पे क्लिक करना है। इसके बाद फुल ट्रांजेक्शन रेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP सेंड की जाएगी, जिसे आपको फिलअप करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। नेट बैंकिंग का अकाउंट बना लेने के बाद में किस तरीके से आपको उससे ट्रांजेक्शन करने हैं, उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन
ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसे देखकर आप आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू में कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।